नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति का चौथा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसकी हम समरी देखेंगे या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं, जो कुछ परिभाषाएँ हैं उनको हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका है श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है, यानी कि हम बात करें कि लिंग के आधार पर, यानी कि महिला पुरुष है ना, तो लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, जैसे घर के अंदर का अधिकतर काम औरतें करती हैं और बाहर का काम पुरुष करते हैं, यानी कि ये जेनेटिक रूप से, यानी कि श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी कि लिंग के अनुसार, यानी महिला है या पुरुष, इसके अनुसार इसका विभाजन श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। हम बात करते हैं कि नारीवादी, आपने सुना होगा नारीवादी आंदोलन, औरत और मर्द दोनों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना या नारी सशक्तिकरण की मांग करना क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है इक्वलिटी जो है, समानता जो है वो है। पितृ प्रधान समाज, अगर हम बात करें प्राचीन काल से भारत एक पितृ प्रधान समाज रहा है, यानी कि ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि पूरा देख रेख जो करता है वो पिता को माना गया है, क्योंकि वह पिता मुखिया हो, पिता की चलती है, तो महिलाओं की स्थिति होती है उस परिवार में, उस समाज में गॉड समझी गई है, इसको हम बोलते हैं पितृ प्रधान समाज। भारत भी एक ऐसा ही देश है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 76% और महिलाओं में साक्षरता दर 54% थी। वहीं बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 927 था और 11 के अनुसार हम यहाँ बात करें तो 11 के अनुसार जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा 943। कितना हो जाएगा? 943। नेक्स्ट है, लोकसभा में महिलाओं सांसदों का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, जबकि राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, जबकि 33% की बात की जा रही है। भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है, यानी कि कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, परिभाषाएँ हैं जो कभी कभी आपसे एक या दो नंबर पूछ ले जाती हैं। अगला है पारिवारिक कानून, यानी कि विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून को पारिवारिक कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है सांप्रदायिकता, जब किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ समझते हैं उसको हम बोलते हैं सांप्रदायिकता। तुम देखा होगा कभी कभी किस धर्म को लेकर दंगे, जैसे दंगे हो जाते हैं, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू को लेकर के ऐसे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। जब लोग अपने धर्म से किसी और धर्म की तुलना करने लगते हैं या उसको श्रेष्ठ मानने लगते हैं, उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। एक होता है आपका धर्म निरपेक्षता, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है तथा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होती है। नागरिक होते हैं वो किसी धर्म को मान सकते हैं और किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसको बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, विभिन्न जाति समूह का समाज में पदानुक्रम है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। इसके हमारे पास चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से एक सीरीज बनी होती है। विभिन्न जाति समूह का एक समाज में पदानुक्रम होना, हायरार्की होना। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, किसी राज्य में एक निश्चित आयु के बाद सभी लोगों को एक समान मत देने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि भारत में क्या है, 18 साल के बाद व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है एक निश्चित आयु के बाद, उसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला है जातिवाद, तो आप जानते हैं परिचित जातिवाद से, तो जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना
जातिवाद कहलाता है, यानी कि छोटा जाति का है ये, बड़ी जाति का है, इस तरह से। ये राजनीति का संबंध धर्म से है, धर्म का राजनीति से है, जाति का राजनीति से, जाति का इस तरह, और यहाँ जाति का लिंग से और लिंग का राजनीति से है। अब हम बात करें लिंग की, तो लिंग श्रम का लैंगिक विभाजन, महिलाएं घर के अंदर के सारे काम करती हैं और पितृसत्तात्मक समाज सभी शक्ति पुरुषों द्वारा धारण की जाती है। विधायक का भारत में कम प्रतिनिधित्व दर 19 में लोकसभा में लगभग 14% था। स्थानीय सरकारों में ये 1/3 आरक्षण व्यवस्था की गई है। नारीवादी और अन्य लोगों और कई संगठन विधायकों में महिलाओं के आरक्षण की मांग भी की जा रही है ताकि उनको बराबरी का दर्जा मिल सके। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का एकदम समरी, कह सकते हैं पूरा समराइज चैप्टर है। आप समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर हम पढ़ने के वाले हैं, किसके कितने क्वेश्चन आंसर्स के हम करेंगे। तो आप इसको परिभाषा आप इसको याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।